वेलकम दोस्तों, इस वीडियो में हम जानेंगे दूध के बारे में सब कुछ, जैसे कि दूध क्या है, दूध कितने प्रकार का होता है, दूध कैसे बनता है, दूध पीने का सबसे अच्छा समय, दूध पीने के फायदे या नुकसान और प्लांट बेस्ड दूध इत्यादि। तो बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए यह वीडियो और सब्सक्राइब करिए हमारा चैनल। दोस्तों, आपने अपने किचन में या घर में तो देखा होगा कि हमारे पास विभिन्न प्रकार के केमिकल्स को हम इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि वाटर, सल्फ्यूरिक एसिड, सिट्रिक एसिड एटसेट्रा। इन सभी केमिकल्स का एक फिक्स फॉर्मूला है, जैसे कि वाटर का H2O, सल्फ्यूरिक एसिड का H2SO4 और सिट्रिक एसिड का C6H8O7 इत्यादि। पर दूध का कोई भी एक फिक्स फॉर्मूला नहीं है, यानी कि हम दूध को इस तरीके से जैसे कि यह C6H8O7 लिखा है ऐसा कुछ भी नहीं लिखते। उसका कारण यह है कि दूध जो है वो एक कंपाउंड नहीं बल्कि एक इमल्शन है। यह दूध को हम कहते हैं इमल्शन ऑफ ऑयल या फैट इन वाटर, और इसके ऑपोजिट अगर आप देखें जो बटर है वो है एक इमल्शन ऑफ वाटर इन ऑयल, यानी कि W/O। अब क्वेश्चन आता है कि इमल्शन क्या होता है। इमल्शन जो है वो एक सिंपल प्रकार का मिक्सचर है जिसमें दो या दो से ज़्यादा लिक्विड मिक्स किए जाते हैं और यह लिक्विड आपस में घुलते नहीं है। जैसे कि पेट्रोल यानी कि गैसोलीन को आप पानी में डालें, यह पेट्रोल की गैसोलीन, पेट्रोल को गैसोलीन भी कहा जाता है, यह पानी में घुलता नहीं है। तो यदि हम इन दोनों का मिक्सचर बनाएं तो वह एक इमल्शन होगा, यानी कि एक लिक्विड के पार्टिकल्स इस तरीके से दूसरे लिक्विड में घुले या सस्पेंडेड रहते हैं। बिकॉज ये सस्पेंडेड रहते हैं तो अगर हम थोड़े समय तक इसको छोड़ दें और कुछ भी ना करें तो क्या होगा कि कुछ समय बाद एक जो लिक्विड है वो ऊपर सतह पर आ जाएगा और दूसरा लिक्विड जो है बिल्कुल नीचे रहेगा। तो दूध बिकॉज इमल्शन है तो दूध में भी ऐसा ही होगा। यदि कुछ समय तक हम दूध को रहने दें और उसको बिल्कुल भी ना छेड़ें तो क्या होगा कि दूध में जो फैट है वो दूध के ऊपर की सतह पर आ जाएगा और बाकी बचा हुआ दूध नीचे ही रह जाएगा। तो यह प्रूव करता है कि दूध एक इमल्शन है। तो अब देखते हैं कि दूध में हमें क्या क्या चीजें मिलती हैं। दूध में हमें पानी होता है, एनर्जी है, कार्बोहाइड्रेट है, फैट है, प्रोटीन और मिनरल भी होते हैं। यदि हम 100 ग्राम का रॉ दूध लें जो एज इट इज हमने सपोज गाय से दिया है तो उसमें लगभग 88% हमें पानी मिलता है, एनर्जी इससे हमें 60 किलो कैलोरी मिलती है और जो फैट होता है वो तकरीबन 3.25 ग्राम मिलता है, यानी कि 100 ग्राम्स के अंदर 3.25 ग्राम जो है वो फैट होता है और इसमें प्रोटीन होता है अबाउट 3.22 और इसी तरीके से जो मिनरल्स होते हैं वो 0.69% के हिसाब से होते हैं। तो वो दूध जिसके अंदर जो फैट है वो लगभग 3.25% हो उसे हम कहते हैं होल मिल्क। यदि हम उस मिल्क में से हम फैट कंटेंट थोड़ा सा कम कर दें तो हम उसमें लगभग 2% का यदि हम फैट रखें तो उस प्रकार के दूध को हम कहते हैं 2% मिल्क। नोट करने की बात यह है कि हम बाकी कुछ भी चीज़ें इसमें से कम नहीं कर रहे, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट भी ऑलमोस्ट उतने ही है और प्रोटीन भी लगभग उतना ही है। हमने क्या किया कि 3.25% से घटाकर दूध में जो फैट है उसको हमने लगभग 2% रखा और जो दूध हमें मिला उसे हम कहते हैं 2% मिल्क। इसी तरीके से यदि हम फैट लगभग 1% करें तो जो हमें दूध मिलेगा उसे हम कहेंगे 1% मिल्क और यदि हम इसमें से बिल्कुल ही फैट निकाल दें यानी कि लगभग 0 कर दें तो हमें जो दूध मिलेगा उसे हम कहते हैं स्किम्ड मिल्क। नॉर्थ अमेरिका के अंदर होल मिल्क जो है वो लाल कलर के बॉटल में या पैकेट में आपको मिलेगा और ये जो स्किम्ड मिल्क होता है वो पिंक कलर के पैकेट में, 1% मिल्क ब्लू कलर में और 2% मिल्क जो है वो डार्क ब्लू कलर के पैकेट में अधिकतर मिलता है। तो ये तो हमने देखा जो गाय का दूध था। इसी तरीके से यदि आप गाय के दूध को कंपेयर करें गोट के मिल्क से तो गाय के दूध में तो फैट होता है 3.25% पर गोट के मिल्क में इससे भी ज़्यादा फैट होता है 4.14% और जो शीप यानी कि भेड़ के दूध में तो ये 7% होता है और लगभग इतना ही होता है आपके वाटर बफेलो यानी कि भैंस के दूध में। तो ब्रॉडली स्पीकिंग तो हमें दूध के अंदर ये सब चीज़ें मिलती हैं और यदि हम इन्हें और सब डिवाइड करें तो हमें इनमें यदि हम देखें तो विटामिन ए भी है, इसमें विटामिन B1 भी है, B2 भी है और सभी तरह के विटामिन भी मिलते हैं, विटामिन ई भी है, विटामिन डी भी है। जो विटामिन सी है वो लगभग 0 के आसपास हमें इस दूध हमें नॉर्मल दूध के अंदर मिलता है। अगर हम मिनरल्स को देखें तो इनमें मिनरल्स किस प्रकार के हैं, सबसे ज़्यादा तो इसमें कैल्शियम होता है, हम सभी जानते हैं दूध जो है कैल्शियम का बहुत अच्छा स्रोत है, इसमें कॉपर भी होता है, इसमें सोडियम भी है और जिंक भी है, इसमें आयरन भी होता है परंतु आयरन की मात्रा काफ़ी कम है। तो कई बार आपको जो दूध है उसमें लिखा हुआ मिलेगा फोर्टिफाइड विद आयरन, यानी कि उसमें जो आयरन है वो दूध में ऊपर से अलग से भी डाला जाता है। इसी तरीके से जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं वो एक लैक्टोज नाम की शुगर इसमें मिलेगी दूध के अंदर और जो फैट है वो आपको कोलेस्ट्रॉल भी है, फैटी एसिड्स भी हैं, जो टोटल सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड भी आपको मिलेंगे दूध के अंदर। प्रोटीन्स देखें, प्रोटीन विभिन्न प्रकार के प्रोटीन हमें इसमें दूध में मिलते हैं, जैसे कि लाइसिन है, प्रोलाइन है, सीराइन है और इसी तरीके से आप देखें तो एस्पैरेटिक एसिड भी हमें इसमें दूध में मिलता है।
अच्छा आप देखते हैं एक और तरीके की दूध की क्लासिफिकेशन। आपने सुना होगा A1 मिल्क या A2 मिल्क के बारे में। जो A2 मिल्क है वो भारत देश की गायों से ही मिलता है, जैसे कि गीर ब्रीड की गाय या साहिवाल जो ब्रीड है गायें उनसे मिलता है। जो A1 दूध है वो पश्चिमी ब्रीड की गायें जैसे कि जर्सी ब्रीड की गायें से मिलता है। और A2 मिल्क और A1 मिल्क में फ़र्क यह होता है कि A2 मिल्क के अंदर BCM7 यानी कि बीटा कैसोमॉर्फिन 7 जो है इसका ये नहीं होता है, जबकि A1 दूध के अंदर BCM7 बीटा कैसोमॉर्फिन 7 अधिकतर पाया जा सकता है। क्योंकि BCM7 में मॉर्फिन होती है तो मॉर्फिन से थोड़ा सा कॉन्स्टिपेशन बच्चों में होने की उम्मीद रहती है। और इसी तरीके से जो A2 मिल्क है उसके कंपैरिजन में A1 मिल्क जो है ज़्यादा लैक्टोज इनटॉलरेंस क्रिएट करता है। तो इन दो कारणों की वजह से हम कह सकते हैं कि जो A2 मिल्क है वो थोड़ा सा बेटर है। बट इन जनरल तो आप दूध कोई सा भी पिए A1 या A2, दूध इटसेल्फ इज़ अ ग्रेट फूड, तो आप A2 लें या A1 पिए दोनों ही दूध अच्छे हैं। पर यदि आपको लैक्टोज इनटॉलरेंस या कॉन्स्टिपेशन की थोड़ी सी शिकायत से बचना है तो शायद आपके लिए A2 मिल्क ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा। अब मैंने अभी आपको बताया कि दूध में हमें प्रोटीन मिलता है। प्रोटीन दो तरीके का होता है दूध के अंदर, एक वे प्रोटीन और एक केसिन प्रोटीन। केसिन के तीन नीचे मैंने तरीके लिखे हैं जैसे कि अल्फा केसिन, कैपा केसिन और बीटा केसिन। नाउ ये जो प्रोटीन है वे प्रोटीन, केसिन के अल्फा और कैपा, ये A1 और A2 में एग्जैक्टली सेम होते हैं। जो फ़र्क होता है वो सिर्फ बीटा केसिन के अंदर होता है। वो भी क्या होता है कि बीटा केसिन के अंदर देयर इज अ पोटेंशियल टू रिलीज BCM7। तो अगर आप देखें जैसे A2 जो मिल्क है उसके अंदर जो बीटा कैसिन की चेन है, हम सबको ये तो पता है कि प्रोटीन जो है वो अमीनो एसिड से बनता है और अमीनो एसिड्स की चेन होती है। तो A1 मिल्क के अंदर और A2 मिल्क के अंदर जो बीटा कैसिन प्रोटीन की चेन्स होती हैं वो एग्जैक्टली सेम होती हैं, मतलब डिक्टो अमीनो एसिड सेम होते हैं, एक्सेप्ट यानी कि पोजीशन नंबर 67 पर। पोजीशन नंबर 67 पर जो A2 का दूध होता है उसमें जो अमीनो एसिड होता है वो होता है प्रोलाइन, और जो A1 प्रोटीन्स की चेन है उसके अंदर 67 नंबर की पोजीशन पर आपको मिलेगा एक प्रोटीन जिसे कहते हैं हिस्टिडाइन। जो हिस्टिडाइन है वो थोड़ा वीक बॉन्ड्स क्रिएट करता है, तो इससे क्या होता है कि जो अमीनो एसिड्स की चेन है वो टूट जाती है और जो 7 अमीनो एसिड्स आप समझ लीजिए जैसे टूट के अलग हो जाते हैं और उस चेन को कहते हैं BCM7। तो A1 और A2 मिल्क में सिर्फ यही फर्क होता है एट ए माइक्रो लेवल। अब हम देखते हैं कि A2 मिल्क जो हमें मिलता है वो मिलता है हमें भारत की देसी नस्ल की गायों से। उन गायों को कहा जाता है बॉस इंडिकस, और जो A1 मिल्क है जो विदेशी नस्ल की गायें उन्हें कहा जाता है बॉस टॉरस। बॉस का मतलब है रूमिनेटिंग एनिमल्स यानी कि जो जानवर जुगाली करते हैं। और अगर आप देखें तो A2 मिल्क देने वाली गायों में जो हमारे देसी नस्ल की गायें हैं उनको आप देखते ही पहचान सकते हैं कि यह विदेशी नस्ल की गायें से किस तरीके से भिन्न है। तो जो देसी नस्ल की गायें हैं उनमें आपको जो है यहाँ पर आपको एक हम्प मिलेगा उनकी बैक पर, और इसी तरीके से जो टेल के नज़दीक है वो यहाँ पर थोड़ा सा कर्व होगा, जबकि आप विदेशी नस्ल की जो गायें देखेंगे उनमें ये कोई हम्प नहीं होता और एंड में भी जाकर वो बिल्कुल फ्लैट होते हैं। इसी तरीके से जैसे आप देखेंगे जर्सी नस्ल की गायें, इसमें ना तो कोई हम्प है और ये टेल के पास भी कोई कर्व नहीं है, जैसे कि ये देखें आप टेल के पास देसी नस्ल की गायों में आपको कर्व मिलेगा। इसी तरीके से एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो कहते हैं ड्यूलैप। ये जो मांस का पोर्शन है जो बिल्कुल मुंह से लेकर नीचे लटकता है इसे कहते हैं ड्यूलैप। ये आपको बॉस इंडिकस वैरायटी की गायों में ज़रूर मिलेगा। इसे कहते हैं कि इसे समर में हीट से बचने के लिए गायों को ये ड्यूलैप हेल्प करता है, परंतु अगर आप देखें तो विदेशी नस्ल की गायों में ये आपको ड्यूलैप नहीं मिलेगा। अच्छा अब बात करते हैं दूध के पैस्चराइजेशन की। जो पैस्चराइजेशन है दूध का इसलिए किया जाता है ताकि उसके अंदर जो पैथोजेंस हैं जैसे ईकोलाई या सैल्मोनेला उनको मार दिया जा सके और दूध की जो शेल्फ लाइफ है वो बढ़ा दी जा सके। पर पैस्चराइजेशन होता क्या है? पैस्चराइजेशन का मतलब है दूध को गर्म करना और उसे क्विकली यानी कि जल्दी से ठंडा कर लेना। नॉर्मल पैस्चराइजेशन का प्रोसेस में दूध को 145 फ़ारेनहाइट तक गर्म करते हैं 30 मिनट्स के लिए। आपने घरों में भी देखा होगा कि हम दूध को उबालते हैं और फिर ठंडा करते हैं, तो उसको ही आप कह सकते हैं एक तरीके का पैस्चराइजेशन है जिसमें दूध को 145 फ़ारेनहाइट पर हम गर्म करके लगभग 30 मिनट तक गर्म करते हैं। पर आजकल जो दूध आता है वो हम जनरली जो है वो उसे हम हाई टेम्परेचर शॉर्ट टाइम यानी कि HTST के तरीके से पैस्चराइजेशन उसका करते हैं। इसमें क्या होता है कि दूध को एटलीस्ट हम 161.6 फ़ारेनहाइट पर गर्म करते हैं 15 सेकेंड्स के लिए और फिर उसको उसमें ठंडा कर लेते हैं। ऐसा करने से जो दूध की शेल्फ लाइफ है वो 2 से 3 वीक्स की हो जाती है।
और एक तरीके की पाश्चराइजेशन है जिसे कहते हैं अल्ट्रा हीट टेम्प ट्रीटमेंट यानी कि UHT। ये आपने अधिकतर पैकेटों पर देखा भी होगा। इसमें क्या होता है कि दूध को 280 फ़ारेनहाइट तक गर्म करते हैं लगभग और एटलीस्ट 2 सेकंड तक। ऐसा करने से जो दूध की शेल्फ लाइफ है वो अप टू 9 मंथ्स तक बढ़ जाती है और इस तरीके के दूध को हम कहते हैं अल्ट्रा पाश्चराइज। दूसरा जो दूध में अधिकतर आपको सुनने को मिलेगा वो होता है होमोजिनाइजेशन। होमोजिनाइजेशन का मतलब सिंपल है कि दूध को यूनिफॉर्म बनाना, उसकी कंसिस्टेंसी सेम रखना ताकि सारा जो दूध हमारे पास है वो एक प्रकार का ही रहे। क्योंकि दूध के अंदर बड़े बड़े फैट के ग्लोब्यूल्स होते हैं, इसी तरीके से प्रोटीन की लंबी चेनें होती हैं, तो जो उनको यदि हम तोड़ दें बिल्कुल माइक्रो लेवल पर छोटा छोटा तोड़ दें तो वो जो छोटे पार्टिकल हैं वो ज़्यादा देर तक दूध में सस्पेंडेड रहेंगे, इसलिए दूध की जो यूनिफॉर्मिटी है वो बनी रहेगी। तो इसी प्रोसेस को हम कहते हैं होमोजिनाइजेशन ऑफ मिल्क। तो जो हम दूध को होमोजिनाइज करते हैं, उसकी कंसिस्टेंसी बरकरार रखते हैं, उसे हम होमोजिनाइजेशन कहते हैं। तो जो मार्केट में आपको अधिकतर दूध मिलेगा वो होमोजिनाइज भी होगा और पाश्चराइज भी जनरली होता है। तो अब देखते हैं कि दूध हमें मिलता कैसे है। दूध हमें जानवरों से मिलता है और इस तरीके के जानवर जो हमें दूध देते हैं उन्हें कहते हैं मैमल्स। इसमें आते हैं इंसान, हम लोग भी ह्यूमन बीइंग्स भी मैमल्स कहलाते हैं। गाय, भैंस, बकरी और ऊंट, ये सभी मैमल्स कहलाते हैं क्योंकि इनके अंदर एक स्पेशल टाइप का ग्लैंड होता है यानी ग्रंथि होती है जिसे हम मैमल मेमोरी ग्लैंड कहते हैं और इस ग्लैंड से हमें दूध मिलता है। उस ग्लैंड को अगर हम छोटा काटें तो उसका जो अंदर का स्ट्रक्चर है वो लगभग इस तरीके से होता है। उसके अंदर एक खास तरीके के सेल होते हैं जिन्हें कहा जाता है एल्वियोलर सेल। ये सेल जो है वो इस तरीके के लोब्स में पाए जाते हैं और इस तरीके की लोब्स की सतह पर यानी सरफेस पर वो इस तरीके से लाइनिंग बनाते हैं। तो यदि आप बड़ी पिक्चर में देखें तो ये हैं आपके सारे एल्वियोलर सेल और ये बीच में जो जगह खाली बची है इसे कहा जाता है एल्वियोलस डक्ट, यानी कि ये आप देखें एल्वियोलस डक्ट कहलाती है। और इन सेल्स, ये जो सेल है एल्वियोलर सेल, इन्हें ये अपना रक्त से यानी कि ब्लड से न्यूट्रिशन या और भी जो भी इन्हें चीज़ की ज़रूरत होती है जैसे कि ऑक्सीजन वगैरह, वो ब्लड से देते हैं और अपना केमिकल प्रोसेसिंग उस पर करके कंटिन्यूसली दूध को सक्रिय करते रहते हैं। यानी कि 24 घंटे जब तक ये प्रोसेस चलता रहता है दूध बनने का, तो जैसे ही ये सेल्स दूध सक्रिय करते रहते हैं ये सारा दूध इस एल्वियोलस डक्ट के अंदर सेव होता रहता है। तो जब गायें बाद में, आपने नोट किया होगा कि जब गाय से दूध निकालना होता है तो उसके बछड़े को उसके आगे रख दिया जाता है। तो ऐसा रखने से क्या होता है कि गाय के दिमाग में एक हार्मोन निकलता है जिसे कहा जाता है ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन हार्मोन को हम प्रेम या लव हार्मोन भी कहते हैं क्योंकि ये जब जनरेट होता है तो हमारे अंदर एक प्रेम की भावना जागती है। पर साथ ही साथ व्हाट ऑक्सीटोसिन डज इज दैट कि ये बिल्कुल एल्वियोलर सेल्स को जाकर स्क्वीज करता है। तो यानी कि ये जो पूरी लोब है इसको स्क्वीज किया जाता है तो जो भी दूध पूरे दिन में बना था वो इस डक्ट से आकर बाहर निकल जाता है। ऐसे यहाँ से बाहर निकलेगा और इवेंचुअली आकर गाय के अडर से निकलकर, उसके थनों से निकलकर बाहर आ जाता है जिसको हम कलेक्ट कर लेते हैं। तो इसमें अगर आप पूरा देखें तो ऑक्सीटोसिन हार्मोन का भी एक बहुत बड़ा इफेक्ट है। अब बात आती है कि दूध पीने का सबसे सही समय क्या है। आयुर्वेद के अनुसार दूध पीने का सबसे सही समय है रात का खाना खाने के बाद और सोने से पहले। यदि दूध का सेवन किया जाए तो यह शरीर के लिए सबसे अच्छा होता है। इसका कारण यह है कि दूध के अंदर होता है सेरोटोनिन। यह जो है ये हमें अच्छी नींद लाने में हेल्प करता है। इसी तरीके से जो दूध का कैल्शियम होता है उसका एब्जॉर्प्शन बॉडी में अच्छा होता है यदि हम दूध को रात में पिए। और यदि हम दूध को अर्ली मॉर्निंग या दिन में पियेंगे तो हो सकता है हमें पूरे दिन लेथार्जी यानी कि थोड़ा सा लेजीनेस की फीलिंग आती रहे। आयुर्वेद एक और बात कहता है कि जो दूध है वो हमें साल्टी चीज़ों के साथ नहीं लेना चाहिए, यानी कि नमकीन या स्पाइसी नट्स हैं उनके साथ नहीं खाना चाहिए, नहीं दूध पीना चाहिए। और इसी तरीके से दूध को केले, मैंगो यानी कि आम और मेलन के साथ भी नहीं खाना चाहिए। जो खट्टे फल होते हैं जैसे ऑरेंज और लेमन, उनके साथ भी दूध का प्रयोग नहीं करना चाहिए। दूध में बहुत सारे फायदे हैं बिकॉज दूध में बहुत अच्छे हमें न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं। पर कुछ लोगों की धारणा है कि यह इतनी दूध इतना अच्छा नहीं है। जैसे कि अकॉर्डिंग टू डॉक्टर वसंती मलिक, हु इज़ अ असिस्टेंट प्रोफेसर ऑफ न्यूट्रिशन एट हार्वर्ड स्कूल ऑफ पब्लिक हेल्थ, शी सेज दैट मिल्क इज़ रियली गुड, उससे हमें काफ़ी सारे न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं। पर एडल्ट डाइट के लिए ये न्यूट्रिएंट्स हमें बाकी चीज़ों से भी मिलते हैं, तो इसलिए दूध का सेवन करना कोई आवश्यक या बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी नहीं है।
इसी तरीके से डॉक्टर दीपा वर्मा जो फाउंडर है अपनी एक कंपनी की, वो लिखती हैं कि दूध जो है वो प्रो इन्फ्लामेटरी होता है, यानी कि सूजन क्रिएट करता है, इससे म्यूकस बनता है और इससे जो दूध के सेवन से रेस्पिरेटरी कंडीशंस और एलर्जीज की कंडीशन जो है बढ़ सकती है। वो ये भी कहती हैं कि दूध को लिंक किया जा सकता है आर्थराइटिस से, बिकॉज दूध पीने से इन्फ्लामेशन यानी कि सूजन हो जाती है और उसकी वजह से आर्थराइटिस की भी कंडीशन हो सकती है। तो इन कुछ वजहों से कुछ लोग चाहते हैं कि दूध का जो हमें जानवरों से मिलता है उसका सेवन ना किया जाए, तो उसके लिए वो प्लांट बेस्ड मिल्क पर जाते हैं। यदि आप देखें तो जानवर जो हमें मिल्क देते हैं उनके पास तो मेमोरी ग्लैंड्स है, जैसे कि हमने अभी देखा, तो उस ग्लैंड से दूध निकलता है और जिसका हम सेवन करते हैं। परंतु प्लांट्स के पास तो ऐसा कोई मेमोरी ग्लैंड नहीं होता है, उनके पास तो हमें देने के लिए सिर्फ फल फूल पत्ते ही हैं। तो उन चीज फल फूल पत्तों से जो हम लिक्विड निकालते हैं या जो हमें घोल मिलेगा उसको ही हम प्लांट बेस्ड मिल्क कहते हैं। जैसे कि एलमंड मिल्क यानी कि बादाम का मिल्क, हम बादाम को लें, यदि हम पीस लें तो बादाम के सारे न्यूट्रिएंट्स उस पीसे हुए पाउडर में मिलेंगे, और उसमें यदि हम पानी मिलाएं या किसी तरीके का उसका घोल बनाएं तो उसको हम कहेंगे एलमंड मिल्क। इसी तरीके से सोया मिल्क, सोया में बहुत सारे हमें न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं, अधिकतर इसमें प्रोटीन बहुत ज़्यादा होता है, और इसके सीड को यदि हम ग्राइंड कर लें और इसमें पानी मिलाएं या शुगर मिलाएं या बाकी कुछ भी तत्व मिलाएं और उसको पिएं तो वो बहुत एक न्यूट्रिशियस लिक्विड मिलता है, उसको हम कहते हैं सोया मिल्क। इसी तरीके से जो कोकोनट है उसका नारियल का पानी नारियल के अंदर होता है, यदि उसको पिएं तो उसमें भी काफ़ी सारे न्यूट्रिएंट्स मिलेंगे जो कि कंपेरेबल है मिल्क से, तो इसलिए हम कोकोनट मिल्क को भी एक एनिमल मिल्क के कंपेरिजन में लेके आते हैं। इसी तरीके से राइस से हमें राइस मिल्क मिलता है। ये तो है पॉपुलर प्लांट बेस्ड मिल्क, पर जो बाकी है ग्रेन्स में आप देखें, हम बार्ले का भी दूध पीते हैं, मेज मिलेट ओट का भी मिल्क आता है, इसी तरह लेग्यूम्स यानी दालों के लिए भी ल्यूपिन पी और पीनट का भी मिल्क मिलता है, नट्स का मिल्क होता है जैसे कि कैश्यू यानी काजू का, और पीकन का मिल्क भी काफ़ी मशहूर है, सूडो सीरियल्स सीड्स और बाकी जैसे कोकोनट पोटैटो आदि का भी हमें दूध मिलता है जिसका हम सेवन करते हैं।